फ्रेंड्स, तो हम लोग पहुंच चुके हैं महाराजगंज। हम और भैया, बाकी सारे लोग गाड़ी में बैठे हैं पीछे। हम यहाँ पे आ चुके हैं। मोबाइल नंबर भी हाँ। तो फ्रेंड्स, तो फाइनली हमारा कुरियर हमें मिल चुका है हाँ। और ये भैया लोग बोल रहे हैं चेक कर लो, लग रहा है गायब भी होता है क्या, ये लोग गायब करते हैं क्या। तो अब इसकी बारी आ गई है क्योंकि बहुत ही प्यार से किसी ने भेजा है। हेलो फ्रेंड्स, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं कि मेरा बर्थडे आ रहा है हाँ, मेरा जन्म होने वाला है। और अभी से मेरे कुछ बहुत ही बड़े बड़े फैन हैं जो कि अभी से वो लोग अपना बहुत ज्यादा प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। जैसे कि मेरे लिए कुछ लोगों ने कुछ भेजा है कोरियर वगैरह, तो वो महाराजगंज में है, तो वही हम लोग लेने जा रहे हैं। देखते हैं क्या चीज है और किसने भेजा है। कॉल आया था मेरे पास, तो महाराजगंज से यहाँ तक नहीं आ सकता ना, तो इसलिए हम लोग लेने जा रहे हैं। तो दिखाती हूँ मैं आप लोग को भी कि किसी ने मेरे लिए कुछ भेजा है, तो देखते हैं क्या है। फ्रेंड्स, तो हम लोग पहुँच चुके हैं महाराजगंज। हम और भैया, बाकी सारे लोग गाड़ी में बैठे हैं पीछे। तो मुझे लगा कि मैं सिर्फ भैया को भेज देती हूँ, लेकिन क्या है कि वो बोले कि मेरी भी ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है साइन विन करना पड़े। हम यहाँ पे आ चुके हैं। मोबाइल नंबर भी हाँ। तो फ्रेंड, तो फाइनली हमारा कुरियर हमें मिल चुका है हाँ। और ये भैया लोग बोल रहे हैं चेक कर लो, लग रहा है गायब भी होता है क्या, ये लोग गायब करते हैं क्या। सो फ्रेंड, तो ये पार्सल जो कि मैं महाराजगंज गई थी इसको लेने, तो आप लोग देखे ही होंगे। और काफ़ी दिन से, एक हफ्ते हो गए मैं ये पार्सल नहीं खोल पाई हूँ, क्योंकि उधर बर्थडे में भी बिजी हो गई थी, फिर इधर थोड़ा तबीयत भी डिस्टर्ब हो गया। मौसम ऐसा है ना, बहुत रूखा रूखा टाइप का, जैसे लगा कितना सर्दी जुकाम हो रहा है। तो अब इसकी बारी आ गई है क्योंकि बहुत ही प्यार से किसी ने भेजा है, वो भी ये नेपाल से आया है। मैं इसको खोल के दिखाती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मैं अभी तो नहीं जानती ना। ओके, तो फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखा है, इसमें चिट्ठी है, लेटर है, और ये थोड़ा गलती से मेरे से फट गया क्योंकि सबसे ऊपर रखा था, जब चक्कू से फाड़ देती तभी फट गया। तो ये उन्होंने बोला इसको प्राइवेसी रखने के लिए, तो ये मैं आप लोग के सामने नहीं पढ़ सकती, इसको मैं खुद अकेले में पढ़ लूँगी। बाकी जो चीज़ें उन्होंने भेजा मैं आप सबको दिखाती हूँ। ये देखो आप लोग, इतनी सारी चॉकलेट है हाँ। अरे बाप रे, इतना सारा, हम पागल हो जाएंगे हम तो। ये देखो आप लोग, क्या है अभी इसके अंदर भी है, इसको भी खोलो। अरे ये क्या है, दिखाओ। ओह माय गॉड, ये देखो आप लोग, रिंग इस टॉफी के अंदर से निकला है, वाओ इस टॉफी के। अरे वाह यार, इतना भी क्या, मतलब इतना बहुत काफी है, मतलब ऐसे गोल्ड चांदी का ये सब चीजें भी। ये देखो आप लोग, फ्रेंड क्या लिखा है इसमें, लव क्या लिखा है, लव लिखा है। ओह माय गॉड, बहन मतलब क्या मैं बोलूं, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं मिल रहा है ये गोल्ड का। थैंक यू सो मच। फिर भी इसकी जरूरत तो नहीं थी, इतना सब काफी है, लेटर भी काफी है, मतलब मुझे बहुत घबराहट हो रही है। देखो ना आप रे, कहाँ मैं जाऊँ, मुझे लग रहा मैं उड़ जाऊंगी अब। ये देखो आप लोग, ये देखो आप लोग, कितना चॉकलेट खाओगी तुम अंजलि। हम लोग है ना, नहीं देंगे हाँ हाँ। वो मेरे लिए भेजी है ना, तो मैं नहीं दे सकती, सॉरी। मैं आप लोग को अभी नहीं जानती, सारा खत्म हो जाएगा तब जानूंगी। ये देखो आप लोग, निहार कर अभी ना, चाहे देखो क्या भेजा है मेरे लिए, आओ ना जल्दी से। अरे यार मेरी चिट्ठी का टिका है, भाई तक पकड़ो बता। अरे बाप रे, इसमें क्या है, इतना लोग मुझे प्यार करते हैं, इतना मानते हैं। अब मतलब खुशी मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए अम्मा को भी बुला लिए। क्यों नहीं हरका जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे उनके लिए? अभी नहीं, अभी सारा देखेंगे तब बोलिएगा। भेजिए यार ये, ओहो ये क्या है, ये देखिए तो ब्लाउज का कपड़ा है, ब्लाउज से कपड़ा, साड़ी होगी अंदर।
पेटीकोट दिख रहा है, पेटीकोट का साड़ी हमको लगता है उसके अंदर है क्या? अच्छा आज नहीं पाया होगा तो वो ऐसे ही कर दी होंगी। देखती हूँ मैं, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन किसी ने मेरे लिए बहुत ही प्यार से बिट्टू वैसा ही है। ओह माय गॉड, ये देखो आप लोग, फोटो इसमें भी लाइट जलाओ, इसमें भी लाइट, इसमें मुझे लग रहा है फोटो नहीं है, फोटो है इसमें भाई, उन्हीं का फोटो है लेकिन ये चार्ज नहीं है। अच्छा लेकिन मैं सो तो नहीं कर सकती ना उनको यहाँ पे, तो उन्होंने मना किया। इसमें उनकी फोटो है, थोड़ा सा दिख रहा है, देखो ना हमारा ही चेहरा ही दिख रहा है, हमारा चेहरा दिख रहा है। अच्छा चूड़ी है, ओ यार ये देखोगे, बहुत सुंदर है, इतना खूबसूरत देखिएगा। रुको रुको, जाने तो जाने तो याद रखने वाली हो तो बोलो। अरे बापरे, मतलब क्या मैं बोलूं यार, अरे भगवान, ये देखो आप लोग कितना सुंदर साड़ी। ओके, इसी साड़ी का पेटीकोट आई थिंक लग रहा था यार। हाँ, सुंदर है ना साड़ी, बहुत सुंदर है सच में, बहुत सुंदर। मतलब मैम आपका आपके पसंद को दांस देना, मतलब क्या मैं बोलूं यार, इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत साड़ी देखो आप लोग, बहुत सॉफ्ट बहुत सुंदर है, इतना सारा मतलब पूरा जन्नत दे दिया मुझे, जैसे मतलब मुझे इतनी खुशी होती है ना चूड़ी देखकर। लेकिन ये जो है ना इतना सारा काम भी था मेरे, देखो स्ट्रेट करने वाला ना, ये कर्ल और स्ट्रेट लग रहा दोनों है इसमें, देखिए ना, नहीं नहीं सिर्फ इसीलिए वो तुम्हारा टोन पूछ रही थी। अच्छा ये देखो आप लोग, थैंक यू सो मच मैम, बहुत सारा आपने मुझे इतना सारा गिफ्ट भेजा, बाप रे मजा आ गया। सच बताऊँ तो मैं सच्ची सच्ची बताऊँ तो मेरा मेकअप का ठीक मतलब खत्म हो गया था, जो भी मैं लगाती हूँ, तो मैं जाने वाली थी, मैं सोची गोरखपुर से और कहाँ से खरीदूँ, लेकिन आपने भेज दिया ना, मतलब इतने अच्छे टाइम पे आपने मुझे ये गिफ्ट किया है कि मैं इसको इतना शौक से इसको यूज करूंगी ना। बताई थी ना नहीं आज मैम आपसे कि नहीं है मेरे पास, अच्छा थैंक यू सो मच भगवान, सर जो सोचती हूँ आ जाता है। सच बताऊँ तो वो मैम ने जो रिंग भेजा है मुझे ना, जो मैम ने मुझे रिंग भेजा है, मैं रिंग खरीदने वाली थी अभी इन्हीं दिनों, खरीदने वाली थी एक रिंग मुझे उसी टाइप का जो बीच में नग होता है ना, मीना जैसा डायमंड, उसे मैं लेने वाली, डायमंड नहीं मतलब मीना जैसा, वो भी मुझे मिल गया, पता नहीं क्यों ऐसा होता है मुझे समझ, लेकिन ऐसे मेरे ड्रीम भी पूरा हो जाए तो विश्वास नहीं करेंगी अक्षरा मैम, मैं सच बताऊँ तो मेरे पास मेकअप का किट सामान एक भी नहीं था, सब खत्म हो गया था, लेकिन अभी मैं मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी मुझे, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी मैं अभी जितना खरीदती नहीं ना उतना ज़्यादा मेरे पास आ गया है, आपने मुझे दे दिया है। लेकिन अगर सच बताऊँ तो अगर आप मुझे ये सब नहीं भी भेजती ना, तभी मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ, उतना ही मेरे दिल में इज्जत और प्यार है आपके लिए, कि अगर नहीं भी देती तब भी मैं आपसे उतना ही प्यार करती, और आपने भेज दिया तो समझ लीजिए कि मतलब बोलती हूँ ना जान दिल तो जान 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 क्या मैं बोलूँ, दिल बाग बाग हो गया है, और तो क्या माँ क्या चाह रही हैं आप, रो दूँ मैं। और ये देखो क्या, ये नेपाल की दीदी है, मेरा और आपका तस्वीर बना के इन्होंने भेजा है, तो इनके गिफ्ट के साथ मैंने आपका भी गिफ्ट खोला जानबूझ के, क्योंकि उन्होंने वो भी आपको बहुत ज़्यादा मानती है, इसलिए उन्होंने ये वाली फ़ोटो भेजी, तो थैंक यू सो मच, लव यू मैम, लव यू मैम अक्षरा मैम, और वो मैम तो बोलिए नाम नहीं लेने के, तो उनको थैंक यू सो मच, लव यू, आज हम बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ।